अरे पीनी भी चाहिए, अच्छी बात है बड़े भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ पीनी चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं पिएगा तो ठेका बंद हो जाएगा, फिर तो सरकार का घाटा होने लगेगा। ये पैसे हैं वो कहीं भी खर्च करे बंदे। बहुत गलत है। Obviously yes, we can invest that money in some other work. कोई बात नहीं भाई, जिसके पास है वो तो पिएगा। सिर्फ 3 दिन में दिल्ली वाले पी गए 60 लाख शराब की बोतलें। जी हाँ, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं होली से 3 दिन पहले के, जहां पर दिल्ली वालों ने 60 लाख बोतलें खरीदी हैं शराब की, दिल्ली ही दिल्ली में सिर्फ होली के दिन वो 60 लाख बोतलें गटक गए। अब सवाल यह है कि होली हो दिवाली हो, आखिर दिल्ली वालों को शराब इतनी पसंद क्यों है? दिल्ली वालों से ही जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, 1 लाख बोतलें पी गए शराब? हाँ हाँ, पी गए होंगे। दिल्ली नहीं तो पूरे चारों इधर पीते हैं, इसी नहीं हुआ। ये होली तो नहीं कली है, होली हो दिवाली हो, लेकिन शराब पी क्यों जाती है? जरूरी है शराब पीना? अब ऐसी अपनी अपनी च्वाइस है, अपनी अपनी च्वाइस है, अपनी अपनी वो लोग, अब कौन क्या करता है, लेकिन ये रिवाज ही यही थी, रिवाज है, पीनी है। दिल्ली वाले जो हैं वो 60 लाख बोतलें पी गए शराब की होली वाले दिन। अब पीने वाले लोग हैं, पीते हैं, मर्जी है, पीने वाले लोग हैं, पीते हैं, हम भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। कितनी पी गए? हम 5 बोतलें पी गए। नहीं, हम नहीं पीते। 5 बोतलें अकेले पी गए? हाँ, अकेले पी गए हम। हाँ, दो के रहने वाले पी गए। हम उत्तराखंड के रहने वाले, हम 4 लोग थे। मतलब 4-5 लोग थे, हमारी पूरी टीम थी, हम लोगों ने साथ में पी। शराब पीनी क्यों जरूरी है होली वाले दिन? अब ये तो हमें भी बिना, लोग पीते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, हमने भी की काम करते हैं, एक दिन एंजॉय करते हैं, एक बार पीना पड़ता है, सभी पीते हैं। पीनी चाहिए? नहीं, वैसे मर्जी है, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पीने वाले पीते हैं, हम भी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली वाले जो है 60 लाख बोतलें पी गए शराब की होली वाले दिन। हाँ, सही है, और क्या, इंजॉयमेंट का दिन है, पीनी चाहिए, एक दिन पीने में क्या हो रहा है। नहीं, एक तरीका है, शुरू से बना हुआ, उस तरीके से लोग रिवाज चलता आ रहा है, लोगों ने बनाया, हाँ चलता आ रहा है, पीनी चाहिए, क्या दिक्कत है, मिल ली है पीने के लिए तो मिल ली है। चलिए, हाँ जी भैया, आप जानते हैं दिल्ली वाले जो है वो 60 लाख बोतलें पी गए शराब की होली वाले दिन? जी मुझे तो पता है, हाँ मैंने न्यूज में पढ़ी थी, मैंने तो एक भी नहीं पी। भैया दिल्ली वाले जो है ना 60 लाख बोतलें पी गए शराब की होली वाले दिन, क्या सही है? अब उनको सही लग रहा है तो पी लिए भाई, अब उनको यही समझ में आ रहा, दिल्ली वालों को तो यही कर रहे हैं। आप तो दिल्ली में रहते? नहीं, हम रहते हैं ना, लेकिन अब दिल्ली वालों में और दिल्ली में रहने वालों में फर्क है ना भाई साहब। अब उनकी नीचे शराब नहीं पीनी चाहिए? हाँ जी, शराब पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए, बहुत हानिकारक। आप बताइए भैया, भाई साहब पीना चाहिए? पीना चाहिए। स्माइल कर रहे हैं भैया, पी गए होंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। खुशी खुशी, अरे भाई देखो त्योहार है यार, किसको रोक सकते हो, 99% तो पीने खाने वाले हर जगह मिलेंगे भाई। सही है, जब ऐसे तो कोई नहीं पिएगा तो ठेका बंद हो जाएगा, फिर तो सरकार का घाटा होने लगेगा। 60 लाख बोतलें पी गए शराब की दिल्ली वाले, सही है गलत है? सही है, पीनी चाहिए, पीनी चाहिए। मैं खुद पी गया एक बोतल कल, देखो ना यार, कल इतने बंदे पी गए हमारी गली में, खुद पी पी के टेढ़े मेढ़े हो ही पड़े थे सारे, कोई नाली में पड़ा, कोई कहां पड़ा। नहीं नहीं, के लिए घर के लिए बोते हैं बस, घर पर ही। बट ये थोड़ी ना कि एकदम टैंकर बन जाओ, टैंकर बन जाओ, अंदर नालियों में गिर रहे, कहीं गिर रहे, वो गलत है, वो गलत है सर, बिल्कुल गलत है वो ना। मैं इंजॉय करता हूँ ना, इंजॉय के बारे में जानता हूँ, लोगों का अपना अपना तरीका है भाई साहब करने का। इंजॉय नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे ही बस। दुखी हैं आप? नहीं, दुखी कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ गलत है उसे। हाँ तो आप किसी और चीज़ से इंजॉय करते होंगे ना? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, जिंदगी सिंपल सी है। जिंदगी नीरस हो चुकी है? नहीं, नीरस नहीं हो जाएगी जिंदगी, सिंपल सी, मैं सिंपल सा रहता हूँ भाई साहब, बिल्कुल बस। जो पैसे हैं वो कहीं भी खर्च करे बंदे, जिसको जिसको पीना है तो पिएगा ही, है ना जी। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नज़र आता, मुझे इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। मैंने नहीं पीती, बट आई थिंक अगर कोई पीता है तो इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता, मेरा ओपिनियन है। यस, बट हाँ, उसके बाद हुड़दंग करना, उसके बाद वायलेंस करना, या फिर कोई आप सोसाइटी में कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे परेशानी हो, तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने नहीं पी, या फिर आपने नहीं पियो, किसने नहीं पियोगे, उन्होंने सबने भी खुशी मनाई, पर ये भी एक जरिया है, तो आई डोंट थिंक वी शुड क्रिटिसाइज कि अगर ये पी रहे हैं तो गलत है, ऐसा हमें नहीं करना। सही है, होली खुशी मनाते, इन्जॉय करते दिल्ली वाले। एंजॉय करने का यही तरीका है क्या? नहीं, तरीका बहुत है, अपने अपने इन्जॉय करने का तरीका रहता है कि नहीं? कोई शराब पी कर का मनाता है, कोई रंग डाल के वाला खेलता है, कोई उलाल लगाता है, बस ये इन्जॉय करते हुए खाने पीने में मस्त रहता है। बहुत गलत है। Obviously yes, we can invest that money in some other work or in some other thing. Not at all. Yeah. To parties, but ऐसी parties नहीं जहाँ पे ऐसा कुछ हो। हाँ, alcoholic. Yes. Yeah, we are not alcoholic. कोई बात नहीं भाई, जिसके पास है वो तो पिएगा। 60 लाख बोतलें पी गए दिल्ली। अरे पीनी भी चाहिए, अच्छी बात है बड़े भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ पीनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं तो नहीं पीता हूँ भाई, मैं तो एक
अच्छी बात है, पिएंगे। जिसके पास पैसा होगा वो पिएगा भाई, हमारे पास नहीं है तो हम क्यों पिएंगे। वैसे ये है, वो कुछ लोग अपना इंजॉय कर रहे तो भाई सही है उनके लिए। तो आपने तो अभी पी रखी है। हम जी, हमने तो हमारी तो कुछ पेटी आई थी होली पे, हमने कुछ उससे पहले हमने पेट अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? अभी तक पेट खत्म नहीं हुई थी। हाँ जी, पी के हाथ टूटा गया? पी के हाथ टूटा आपका? अजी नहीं, ये थोड़ा एक्शन एक्शन हो गया था। पी रखी है आपने? हाँ, हम तो भाई, हम पे पैसा है, हम तो पी रहे हैं। आप लोग कहते हैं महंगाई है, हमारे लिए तो नहीं लगती महंगाई है जी। कितना पैसा है आपके पास? मेरे पास जितना पैसा है वो मैं खुद गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, कार भी खरीद सकता हूँ, बाइक भी खरीद। एक बारी में कितने पी जाते हैं? मैं एक बारी में मेरा 900 रुपए की दारू आती है जी, 900 रुपए की दारू। हाँ, एक दिन आपने कितने भी, होली वाले दिन उस होली वाले दिन मैंने काफी बोतल पी थी। 60 करोड़ की बिक गई, 60 लाख बोतलें बिकी है, 60 लाख बोतलें बिकी। हाँ जी, हम भी अड्डा भी पी लेते, हम पीते, नाम भी बताते, रॉयल स्टैक, ओसी पीरू, रॉय ग्रीन, और ये पीते हैं। ये नहीं, और बाइट वाली जो दारू है वो महंगी आती है, वो टिप वाली है, वो 900 रुपए की। सही है, गलत है, पीनी चाहिए शराब? देखिए, अब शराब तो सेहत के लिए हानिकारक है। ये 60 लाख बोतलें भी होने चाहिए, तो इसके लिए चिकन भी होना चाहिए। वही ये बात तो है, ये बात तो है। हाँ, लेकिन हमारे समझ से शराब सेहत के लिए हानिकारक, लेकिन पीते हैं लोग, इसके बगैर जिंदगी आज समय में किसी के लिए मुनासिब नहीं। खुशी के लिए, खुशी के लिए, एक एंजॉयमेंट एक ऐसा होता है, खुशी ऐसे कोई आम नागरिक बिना शराब पिए नहीं जाहिर कर सकता। शराब पीने के बाद वो 2 मिनट में अपने सेंस या हुमर खो देता है, तो वो 2 मिनट खुशी जाहिर करता है, चाहे जितना दुख हो वो भूल जाता है 1 घंटे के लिए, तो वो शराब पीता है। कुछ लोगों का कहना है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये तरीका है खुशी मनाने का, जश्न मनाने का। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर वो भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगन टीवी के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ अंकित वर्मा, सौगन टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।